आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। दोस्तों, काजू का इस्तेमाल मिठाई और सब्जी की ग्रेवी को स्वादिष्ट बनाने के लिए खूब किया जाता रहा है। काजू से बनी बर्फी ज्यादातर लोग पसंद करते हैं। काजू कतली मेरी भी बहुत फेवरेट मिठाई है। स्वाद के साथ ही ये सूखा मेवा सेहत को स्वस्थ रखने में भी उपयोगी भूमिका अदा करता है। काजू के एक आउंस में 9 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 4.5 ग्राम प्रोटीन और 13 ग्राम गुड़ फैट होता है। इसके अलावा इसके एंटीबैक्टीरियल गुण इन्फेक्शन से बचाव रखने में मददगार होते हैं। हाई कैलोरी की वजह से इसे खाने के बाद जल्दी भूख नहीं लगती। किसी भी मौसम में 2 से 4 काजू खाना बेहतर माना जाता है। चलिए जानते हैं काजू आपके स्वास्थ्य को किस तरह लाभ पहुँचाता है। सबसे पहला फायदा है कि इससे त्वचा चमकदार बनती है। काजू खाने से त्वचा का ग्लो बढ़ने लगता है और रंगत निखर जाती है। सौंदर्य बढ़ाने के लिए अक्सर ही घरेलू नुस्खों में उपयोग किया जाता रहा है। याददाश्त दोस्तों इससे तेज होती है। काजू विटामिन बी का बड़ा खजाना है। भूखे पेट काजू खाकर शहद खाने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। काजू खाने से यूरिक एसिड बनना बंद हो जाता है और इसके सेवन से ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। बात करते हैं नसों और हड्डियों को मजबूत बनाने की। मैग्नीशियम से भरपूर काजू कैल्शियम को नर्व सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है। इससे नसों पर बहुत कम दबाव पड़ता है। जब शरीर में मैग्नीशियम की कमी होती है तो कैल्शियम नसों तक पहुंचने लगता है, जिस कारण नसों में सिकुड़न होने के साथ ब्लड प्रेशर और माइग्रेन की समस्या होने लगती है। पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है काजू। काजू में एंटीऑक्सीडेंट पाचन क्रिया को मजबूत बनाने के साथ ही वजन को भी संतुलित करता है। इसलिए अपने दैनिक व्यवहार में 2 से 4 काजू खाना बेहद जरूरी है। अगला है दांतों को मजबूत बनाए। काजू में फास्फोरस की मात्रा पर्याप्त होती है जो दांतों को मजबूत बनाए रखती है। इसलिए बड़े और बूढ़ों को रोज काजू का सेवन करना चाहिए। अगला है डायबिटीज में फायदेमंद। रोजाना 2 काजू का सेवन करने से डायबिटीज का खतरा खत्म हो जाता है। ये टाइप 2 डायबिटीज के स्तर को भी कंट्रोल करने में मददगार है। अगला है प्रेगनेंसी में काजू के फायदे। प्रेगनेंसी में 1 काजू का सेवन करें। सीमित मात्रा में काजू खाने से माँ और बच्चे दोनों को बहुत फायदा मिलता है। इससे बच्चे का शारीरिक विकास बहुत अच्छे तरीके से होता है। इसके अलावा हड्डियाँ मजबूत बनती हैं, मस्तिष्क का विकास अच्छे से होता है। साथ साथ माँ और बच्चे दोनों के दांतों के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। इसे किसी भी तरह की कैविटी नहीं होती। अगला है शरीर में एनर्जी बनाए रखता है काजू। काजू को ऊर्जा का एक अच्छा सोर्स माना जाता है। इसे खाने से सेहत को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन इसे ज्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। अगर आपका मूड बेमतलब खराब हो जाता है तो 2 काजू खाने से आपको इस समस्या से आराम मिल सकता है। चलिए बात करते हैं दोस्तों, ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। काजू में प्रोटीन अधिक मात्रा में होता है, इसलिए इसे खाने से बाल और त्वचा स्वस्थ और सुंदर हो जाते हैं। बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने की। काजू कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखता है। इसमें प्रोटीन अधिक होता है और ये जल्दी पच जाता है। काजू आयरन का अच्छा सोर्स होता है, इसलिए खून की कमी को दूर करने के लिए आप इसे खा सकते हैं। अब हम इस वीडियो में देखते हैं कि आखिर ऐसे भी तो लोग होंगे जिनको काजू नहीं खाना चाहिए। तो जी हाँ, ऐसे लोगों से हम आपको रूबरू कराते हैं। जिन लोगों को माइग्रेन है, सिर दर्द है, वो काजू के सेवन से परहेज करें, क्योंकि इसमें मौजूद एमिनो एसिड सिर दर्द पैदा कर सकता है। बात करते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन वाले मरीजों के लिए। जिन लोगों के पित्ते की पथरी है, उन्हें काजू का सेवन नहीं करना चाहिए। इसमें मौजूद ऑक्सलेट्स तत्व पथरी की परेशानी को बढ़ा सकते हैं। बात करते हैं मोटापा वाले लोगों की। जो लोग मोटापे के शिकार हैं, उन्हें काजू खाने से परहेज करना चाहिए। 30 ग्राम काजू में 163 कैलोरी और 13.1 फैट होता है। इसका ज्यादा सेवन आपके वजन को बढ़ा सकता है। बात करते हैं जिन लोगों के पेट में गड़बड़ी रहती है, तो उन्हें भी काजू का सेवन नहीं करना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज भी काजू के सेवन से बचें, क्योंकि इसमें सोडियम होता है, वो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है। ये था आज का काजू का वीडियो। दोस्तों, आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है, जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए आयुर्वेद समाधान, क्योंकि आयुर्वेद समाधान है हर रोग का निदान।